कि धनतेरस का क्या महत्व है और हम इसे किस प्रकार बनाएं, और जो समाज में भ्रांति फैली हुई है कि अगर धनतेरस के दिन हम धन का उपयोग करेंगे तो हमारे धन में वृद्धि होगी। हाँ तो बढ़िया खर्च करना, अपना दान दे देना, ये भी तो खर्च है। दुनिया में खर्च करोगे वो लौट के नहीं आया, दान कम से कम लौट के तो आएगा। धनतेरस नाम से जैनागम में कोई उल्लेख नहीं पाया गया, धनतेरस के नाम से तो पाया गया। भगवान महावीर स्वामी अपने 30 वर्ष तक लगभग अपना उपदेश देते देते, अब उनकी स्थिति जो हो गई, तीर्थंकर प्रकृति की जो उदीर्णा थी वो रुक गई, तो धनतेरस के दिन भगवान ने समोषण का त्याग किया था, और समोषण का त्याग करके वो पावापुर के उद्यान में जाकर स्थित हो गए थे। तो उसका नाम था धनतेरस, क्योंकि आज भगवान ने सारे संसार के बंधनों से छूटने का प्रयास चालू किया। चूंकि भगवान अभी तक समोषण छोड़ते थे, दूसरी जगह लगता था, तो अब आखिरी समोषण था, तो कुबेर ने देवताओं ने उन्होंने खूब रत्न वृष्टि की, रत्न लुटाए उन्होंने। तो लोग अपने घर जब समोषण से लौटे तो घर में उनका लुटे हुए धन को घर में लेकर लौटे नगरवासी, तो वो हो गई धनतेरस। क्योंकि देवताओं ने भगवान को जब समोषण निकला तो कुछ ना कुछ तो निछावर करेंगे, तो देवताओं ने कुबेर ने रत्नों की वृष्टि की, वे रत्न वृष्टि सबको मिले तो घर में लेके आए तो रत्न है। इसलिए धनतेरस के लिए खरीदना है तो रत्न लो, सोना चांदी करो दो, ये स्टील के बर्तन मत खरीदो। हाँ, स्टील के बर्तन खरीदने से कोई मतलब नहीं है, खरीदना है तो सोना चांदी खरीदो, खरीदना है तो पीतल खरीदो, तांबा खरीदो, और नहीं हो तो भक्ति कलश लेके ले जाओ।